चलिए तैयार हो जाइए। आज आप लोग के लिए लेके आए हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का बोर्ड में आया हुआ एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़ी आराम से देखना। इसमें आपको एक स्पेशल मेथड मैं बताऊंगा कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशन को बिना किसी तरीके का, बिना किसी परेशानी को, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तैयार हैं, शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो, और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कर लेना। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये दो इक्वेशन दिया इस टाइप का। बहुत बार क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे 1/x बराबर ए या बी या समथिंग मानते हैं। मैं आपको बिना माने हुए बता दूँ, ठीक है? तैयार है? ये दिया, पहला इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 11 और 5x - 4y = -7। और जब इसको सॉल्व करने के बाद जो x और y का वैल्यू आएगा उस वैल्यू को पुट करके 5x - 3y का वैल्यू निकालना। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है और देखते हैं कि 3 मार्क्स में से बिल्कुल 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, गारंटी है। मेरे साथ लगे रहिए, पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करना, पक्का आपको एग्जाम में 3 में 3 मार्क्स आएंगे। तैयार है? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम होता है इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है? क्या काम करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो इक्वेशन आपको हमने लिख दिया 2x + 3y = 11 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 5x - 4y = -7 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे बहुत बच्चा क्या करते हैं सो देख लीजिए। अब बहुत बच्चा इस क्वेश्चन को मानेंगे कैसे? मानते हैं क्या कि लेट 1x = a and 1y = b। अब ये इक्वेशन इसको मानेंगे क्या चीज़? 2a + 3b = 11 और 5a - 4b = -7। और फिर इसको सॉल्व करते हैं। वो टाइम क्या, सॉल्व करने के बाद जो निकलता है वैल्यू a का, कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा और b का वैल्यू निकलेगा। फिर इस a और b के वैल्यू से वो किसका वैल्यू निकालते हैं? x का और y का। तो कितना टाइम लगा, ठीक है? यानी 2 बार आपकी इक्वेशन सॉल्व करना पड़ा? नहीं, एक ही बार इक्वेशन सॉल्व करना है। टाइम बिल्कुल प्रीशियस है, बोर्ड के एग्जाम में आपके पास टाइम भी बचाना जरूरी है जिससे कि आप समय से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ इलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? इलिमिनेशन मेथड। हम लोग बात करने जा रहे हैं इलिमिनेशन मेथड। इसमें अपने को क्या करना है? एक्स या वाई को इलिमिनेट करना है, ठीक है? यानी एक्स एक्स के कॉफिशियंट को सेम कर देना है और एक बार वाई के कॉफिशियंट को सेम करना है। चलो देखते हैं। पहला मेथड में हमको एक्स का कॉफिशियंट सेम करना है। देख लो, यहाँ पे x का जो कॉफिशियंट देखेंगे 1/x, इसमें 2 था और इसमें 5 था। तो हमको ऐसा लेना है कि दोनों सेम हो जाए। तो 2 और 5 के टेबल में पर नंबर कौन सा आता है? 10 जो कॉमन है। तो हमने इसको भी क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले वाले को कितने से मल्टीप्लाई किया? 5 से। दूसरे वाले को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से, ठीक है? ये सब लिखने की जरूरत नहीं, इस पर कोई नंबर नहीं मिलता, इसलिए आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? तो हमने इसको क्या कर दिया, कितने से मल्टीप्लाई कर दिया भाई? यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 1/x क्या चीज से, हमने कर दिया 1 को 5 से, एंड 2/x कितने से कर दिया? अब देख लो, यहाँ पे 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 2 गए। अब देख लो 2 को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया है? 2 से। तो आपका इक्वेशन आ गया जिससे x का कॉफिशियंट सेम हो गया, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे 15 अब +8 = 23 y बराबर क्या हो गया। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे सॉल्व करने के बाद, ये जो मिस्टेक करते हैं वो आप नहीं करोगे। यहाँ पे जो मिस्टेक होता वो ये हो जाता है, बच्चा यहाँ पे क्या लिख दिए, y बराबर क्या चीज़ 3। वो क्या है, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, ठीक है? ये कैसे हो गया सॉल्व, अगर आपको पता है तो ये सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे, इसको आप अगर ऐसे लिखते हो तो आप क्या लिखोगे भाई, आप लिखोगे y × 69 = 23 और y = 23/69, ठीक है? आप मिस्टेक नहीं करोगे एग्जाम में। चले, अब अपने को निकल गया किसका वैल्यू, y का वैल्यू 1/3। तो अब ये क्वेश्चन 1/y का वैल्यू आ गया। अब एक भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो और किसी x या y का वैल्यू निकालते हो तो आपको मिल जाते कितने मार्क्स, 1.5 मार्क्स। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 1.5। अभी आपको 1.5 के लिए और मेहनत करना है। चलिए बताते मेहनत करने से कैसे करना है, सेकंड इक्वेशन को करना है। अब सेकंड इक्वेशन में देख लो, सेकंड इक्वेशन में हमको y को इक्वलाइज करना है। तो यहाँ पे y का है 4
यहाँ पे वाई का है 3, तो 4 3 12, 4 और 3 के टेबल में जो पहला नंबर आएगा जो कॉमन होगा वो होगा 12। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे हमने इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिया क्या चीज़ से, 4 से, एंड इक्वेशन सेकेंड को हमने मल्टीप्लाई कर दिया कितने से, 3 से। तो हो गया इक्वेशन फर्स्ट को 4 से और इक्वेशन 3 को सेकेंड से। तो हमारा वाई वाला कॉन्स्टिट्यूएंट जो था, वाई वाला जो टर्म था, उसके कोएफिशिएंट सेम हो गए, तो वाई से वाई कैंसिल हो गया, बच गया क्या 8 और 15, 23 बाई एक्स, और यहाँ पे 44 में से 21 गया तो 23 हमने सॉल्व कर लिया, तो आंसर आया 1। इसमें किसी बच्चों को मिस्टेक बोर्ड में नहीं होता है। एक्स का वैल्यू निकल गया, वाई का वैल्यू निकल गया, इसके आपके मिल जाएंगे कितने मार्क्स, अगर आप ये सॉल्व करते हो वाई का वैल्यू, तो इसके मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। इसको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिल जाएंगे 1.5 मार्क्स, पता चल गया। तो 1.5 मार्क्स और आधे मार्क्स कितने होंगे, 2 मार्क्स आपको आ चुके हैं। अब आपको कितने के लिए काम करना है, 1 मार्क्स के लिए। तो 1 मार्क्स के लिए आपको वैल्यू पुट करना है किसमें, 5x-3y में। तो x के जगह पे आपने लिख दिया 1 और y के जगह पे 1/3, और सॉल्व करने से आंसर क्या आ गया, 4। है ना भैया आसान, एग्जाम में 100% मार्क लाना बहुत आसान है। अब इस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना, अब इस क्वेश्चन को अवॉइड करो कि x 1/x का वैल्यू a और b मानना। आप अलग अलग बुक्स में देखोगे माना हुआ है, लेकिन आप अवॉइड करो, x के कोएफिशिएंट को सेम करना है और y के कोएफिशिएंट को सेम करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।